नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं टारगेट विद चंद्रा यूट्यूब चैनल। मैं हूं चंद्रभान। आज हम बात करेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट साइकोलॉजी की, बाल मनोविज्ञान की। और ये बाल विकास जो है वो कई ऐसी जो वैकेंसियां हैं जहां पर ये पूछा जाता है, तो हम ऐसी परीक्षाओं और ऐसी वैकेंसियों की बात करेंगे, जैसे DSSB की बात करते हैं, रीट की बात करते हैं। इसके अलावा जब हम CTET UPTET की बात करते हैं, और DLED और BED की परीक्षाओं में भी जो है यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बाल मनोविज्ञान का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक अधिगम है, जिसकी आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो जितने भी स्टूडेंट्स, जो मैंने नाम लिए जिन परीक्षाओं की, उन परीक्षाओं में की तैयारी करने वाले जो स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए वीडियो जो है काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। इसलिए इस वीडियो को पूरा आप शुरू से लास्ट तक जरूर देखें। हम स्टेप बाय स्टेप जो है लर्निंग को पढ़ेंगे, इसके बाद इसके सिद्धांतों को पढ़ेंगे, और जो भी चीज़ें आएंगी, चाहे वो संज्ञानवादी मनोवैज्ञानिकों के सिद्धांत हो या व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिकों के सिद्धांत हो, सारी की सारी चीज़ों को हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ने वाले हैं, चूँकि ये सीरीज़ मैं आज से शुरू करने वाला हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं हम आज लर्निंग की, अधिगम की। तो और ये अधिगम क्या है दोस्तों, अधिगम क्या है, इसका अगर सामान्य शब्दों में अगर अर्थ की बात की जाए, तो सामान्य शब्दों में अर्थ यही है कि व्यवहार में आया परिवर्तन, व्यवहार में आया कोई भी परिवर्तन जो है वो अधिगम कहलाता है। दोस्तों, अधिगम पर चर्चा करने के पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि अधिगम को पढ़ाने से पहले, सीखने को पढ़ाने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट ये कर रहा हूँ कि आप लोग भी लगातार सीखने का प्रयास कीजिए। वो सीखना ज़रूरी नहीं है कि किसी एक ही व्यक्ति से हो, ज़रूरी नहीं है कि किसी एक ही स्थान से हो, ज़रूरी नहीं है कि किसी एक ही समय में हो। वो सीखना किसी भी व्यक्ति से, कहीं से भी, कभी भी हो सकता है। तो सीखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप जैसे जैसे अपने आगे की परिस्थितियों में बढ़ेंगे, जैसे जैसे आपके सामने परिस्थितियां आएंगी, उन परिस्थितियों का समाधान भी आप तभी कर सकते हैं जब आपका सीखना ज़्यादा से ज़्यादा होगा। इसलिए सीखना जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। एग्ज़ाम के लिए तो ज़रूरी है ही, लेकिन जीवन के लिए भी ज़रूरी है। और सीखना ऐसा सीखना ना हो जो यांत्रिक हो, जो रट्टा मारकर की चीज़ों को सीखा गया हो, सीखना ऐसा हो। क्योंकि देखिए, सीखना तभी संभव हो सकता है, सीखना हम तभी मानेंगे जब आपके व्यवहार में परिवर्तन आए। अगर आपके व्यवहार में परिवर्तन नहीं आता है तो हम उसे सीखना नहीं कहेंगे। आज किसी बालक, कोई बालक आपके सामने जिस तरह का व्यवहार कर रहा है, हम कई समय बाद, कुछ समय बाद देखते हैं कि उस बालक के व्यवहार में परिवर्तन दिखाई देता है। तो वो परिवर्तन कहाँ से आया? वो परिवर्तन उसके समाज से, उसके वातावरण से आया, अर्थात उसने कुछ सीखा है। अब वो सीखा हुआ व्यवहार जो है वो किस तरह का है, वो अलग की बात है कि वो नकारात्मक भी हो सकता है, वो सकारात्मक भी हो सकता है, अर्थात वो अच्छा भी हो सकता है, वो बुरा भी हो सकता है। वो उसके वातावरणीय घटकों पर डिपेंड करता है कि उसने किस वातावरण में किस तरीके से सीखा हुआ है। लेकिन हर व्यक्ति सीखता ही सीखता है, वो सीखता ही रहता है। सीखना जो है वो जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। हाँ, बस ये है, अंतर ये है कि कुछ लोग जो हैं बहुत ही तीव्र गति से सीखते हैं, कुछ लोग मंद गति से सीखते हैं, बस फर्क ये है। तो मेरा ये मानना है कि आप तीव्र गति से ना सीखें, ना सीखें, लेकिन आप कम से कम मंद गति से तो सीखते रहे, कछुआ की चाल चलते रहिए, कभी रुकिए मत, और एक दिन आपकी मंजिल जो है आपके कदम जरूर चूमेगी, क्योंकि आप आगे की तरफ बढ़ ही रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप बढ़ रहे हैं। कभी ना कभी आप उस मंजिल तक जरूर पहुँचेंगे जहाँ आप जाना चाहते हैं। इसलिए सीखना जीवन की एक बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, और ये सीखना इसलिए ज़रूरी है कि जैसे ही आपके सामने कोई एक नई परिस्थिति आएगी, उस नई परिस्थिति से कैसे लड़ना है, कैसे समायोजन करना है, ये आपके सीखने पर डिपेंड करता है, ये आपके अच्छे सीखने पर डिपेंड करता है। इसलिए निरंतर सीखते रहिए, सीखते रहिए, सीखते रहिए, सीखते रहिए। और सीखना जो है एक तरीके का जीवन भी है, अर्थात लर्निंग इज़ लाइफ। आप जीवन भर सीखते हैं, और वो जीवन को अच्छे से, सुचारू ढंग से चलाने के लिए ये सीखना जो है आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होता है। लर्निंग की बात करते हैं, इसके सामान्य अर्थ की बात करते हैं। अगर अधिगम का सामान्य अर्थ क्या है, अगर ये बात की जाए, तो लर्निंग का सामान्य अर्थ है व्यवहार में परिवर्तन होना। वो व्यवहार में परिवर्तन कैसा है वो मैंने पहले बता चुका है, ये बात डिपेंड नहीं करती है, लेकिन आपने कुछ ना कुछ जरूर सीखा हुआ है। तो व्यवहार में अगर परिवर्तन दिखाई देता है तो उसे हम सीखना मानते हैं। कुछ ऐसी परिभाषाएं भी हैं जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। उन परिभाषाओं की अगर बात करें तो BF स्किनर की एक परिभाषा है, सीखना
व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है, ठीक है। सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया, अर्थात जैसे जैसे आप स्टेप बाय स्टेप सीखते जाएंगे, आपके हर एक व्यवहार में स्टेप बाय स्टेप परिवर्तन दिखाई पड़ते जाएंगे। तो उत्तरोत्तर सामंजस्य, जैसे जैसे आप सीखेंगे वैसे वैसे आगे की परिस्थितियों में आप अनुकूलन करते जाएंगे, एडजस्टमेंट करते जाएंगे, अर्थात सीखना एक तरह का एडजस्टमेंट भी है, एक समायोजन भी है। जो सीखा हुआ व्यक्ति होता है वो अपने जीवन में बहुत ही अच्छे तरीके से सामंजस्य स्थापित कर लेता है, ठीक है। तो अब स्किनर की इस परिभाषा में दो चीज़ें आपको बहुत ही याद रखनी है गहराई से, उत्तरोत्तर सामंजस्य। ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है इस परिभाषा में, आप सिर्फ इतना याद रखिए उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया बस। और ये किसकी परिभाषा है? बीएफ स्किनर की परिभाषा है। आगे बात करते हैं वुडवर्थ की। तो वुडवर्थ की परिभाषा क्या है? नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया सीखने की प्रक्रिया है। एक तो आपको याद रखना है नवीन ज्ञान, और दूसरा याद रखना है नवीन प्रतिक्रियाओं। बस ये दो टर्म आपको याद रखने हैं। नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या है? सीखना है। तो जो आप आगे चल करके नया ज्ञान सीखते हैं और उस नए ज्ञान से आपकी एक नई प्रतिक्रिया होती है, वास्तव में सीखना यही है। ये बात कौन कहते हैं? ये वुडवर्थ महोदय कहते हैं। क्रो एंड क्रो की बात करें, दो क्रो है, एक पति पत्नी दोनों मिल करके इनका टाइटल लगा हुआ है क्रो एंड क्रो। ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि सीखना आदतों ज्ञान व अभिवृत्तियों का अर्जन है। अर्थात जो व्यक्ति सीखता है उसकी आदत का निर्माण होता है, आदतों का निर्माण होना भी एक सीखना है, ज्ञान का अर्जन करना भी सीखना है, और अभिवृत्तियों जिसे हम एटीट्यूड कहते हैं उसका अर्जन भी क्या है? वो सीखना कहलाता है। ये बात किसने कही? क्रो एंड क्रो ने कही। गेट्स व अन्य की बात करें तो गेट्स व अन्य क्या कहते हैं कि सीखना अनुभव व प्रशिक्षण द्वारा। अब दो चीज़ें यहाँ पर याद रखनी है आपको, एक अनुभव और दूसरा प्रशिक्षण, अर्थात एक एक्सपीरियंस और दूसरा ट्रेनिंग। तो एक्सपीरियंस व ट्रेनिंग के द्वारा व्यवहार में जो परिवर्तन दिखाई देता है उसे हम अधिगम कहते हैं। अर्थात व्यक्ति जो है अपने अनुभवों से ही सीखता है, पुराने अनुभवों से वो नई समस्याओं को हल करने की कोशिश करता है, और वो जो नई समस्या आई उसको पुराने अनुभव से जैसे उसने हल किया, कुछ अपने उन अनुभवों में परिवर्तन करते हुए तो वो नई परिस्थिति को भी सीख लेता है, नई परिस्थिति में भी समायोजन कर लेता है। और ये आज सीखी गई जो चीज़ है वो आगे आने वाली भविष्य में जो परिस्थितियाँ हैं उनके लिए काम आती है, ठीक है। तो अब ट्रेनिंग के द्वारा भी लोगों को सिखाया जाता है, ट्रेनिंग के द्वारा भी व्यवहार में परिवर्तन होता है, ये भी एक तरीके का सीखना कहलाता है। वाटसन की परिभाषा की बात करें तो वाटसन की परिभाषा जो है इसको मूलभूत परिभाषा माना जाता है। मूलभूत परिभाषा अधिगम की इसलिए माना जाता है क्योंकि जो मूलभूत बात है बस वही करते हैं, व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना है। और जितने भी आप परिभाषाएं पढ़ेंगे उन सभी परिभाषाओं में कहीं ना कहीं ये बात जरूर छिपी हुई रहती है कि व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना है, ठीक है। उसके बाद अगर गिलफोर्ड की परिभाषा की बात करें, जेपी गिलफोर्ड, तो इन्होंने कहा है व्यवहार के कारण व्यवहार में आया कोई भी परिवर्तन अधिगम कहलाता है। अर्थात जैसा आप व्यवहार करेंगे सामने वाले के साथ में, ठीक है, और वैसा ही वो सामने वाला आपके साथ व्यवहार करेगा, और इस व्यवहार से आपके व्यवहार में परिवर्तन आएगा। व्यवहार के कारण व्यवहार में आया कोई भी परिवर्तन, जैसे बालक जो है जब उसको पता नहीं रहता कि आग को छूने से, दीपक को छूने से उसकी उंगली जल जाती है, लेकिन वो क्या करता है? व्यवहार करता है। अर्थात जैसे उसने व्यवहार किया, जैसे उसने उस आग को टच किया उसकी उंगली जल गई। तो व्यवहार करने की वजह से उसने कुछ सीखा, और उस व्यवहार की वजह से अब क्या होगा? उसके व्यवहार में परिवर्तन दिखाई देगा, ठीक है। तो व्यवहार अगर नहीं करता तो दीपक पे उंगली नहीं डालता। दीपक की ज्योति पे उंगली डालना ये एक तरीके का उसका व्यवहार था, और इस व्यवहार से क्या हुआ कि अब उसके व्यवहार में एक परिवर्तन आया। यही परिवर्तन ही अधिगम है। आप किसी को चाटा एक दे दो थप्पड़ और वो उधर से आपको थप्पड़ दे दे, आप उस जो आपने व्यवहार किया उस व्यवहार से आपने कुछ सीखा, और यही सीखना क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। ये बात किसने कही? गिलफोर्ड महोदय ने कही। इसके बाद बात करते हैं सीखने की विशेषताओं की। तो सीखने की विशेषताओं में जैसे पहली विशेषता है सीखना संपूर्ण जीवन चलता है। अर्थात
ये जीवन भर चलता है, जीवन पर्यंत चलता है, मृत्यु तक व्यक्ति कुछ न कुछ सीखता ही रहता है। हाँ, बस उसकी गति कभी तीव्र कभी मंद हो सकती है। दूसरी विशेषता की बात करें, सीखना परिवर्तन है, अर्थात सीखने में परिवर्तन जरूर होना चाहिए। अगर परिवर्तन नहीं हुआ तो हम मानेंगे कि सीखना नहीं हुआ है। सीखना सार्वभौमिक है, इसका मतलब यह है कि कोई भी सीख सकता है, वो स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चे हो, पशु हो, सारे के सारे लोग सीख सकते हैं। हाँ, उनकी गति, उनकी तीव्रता में जरूर अंतर हो सकता है, उनकी दर में जरूर अंतर हो सकता है, बट सीखना सभी के साथ होता है, सभी लोग सीखते हैं, इसलिए सीखना सार्वभौमिक है। सीखना विकास है, जब व्यक्ति सीखता है तो उसका डेवलपमेंट होता है, चाहे वो मानसिक विकास हो, चाहे वो सामाजिक विकास हो, ये विकास जरूर होगा व्यक्ति जब सीखता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि सीखने की एक विशेषता क्या है कि जब कोई सीखता है व्यक्ति तो उसका विकास भी होता है। सीखना समायोजन है, सीखना एडजस्टमेंट है, जो व्यक्ति सीखता है, लर्निंग उसकी होती है, वो समाज में हर एक परिस्थितियों में समायोजन कर सकता है, और जो सीखा हुआ व्यक्ति नहीं होता है वो समायोजन ना कर पाने की वजह से उसके अंदर तमाम तरीके के टेंशन, तमाम तरीके के तनाव जो हैं, तमाम जो चिंताएँ हैं और ऐसी चीज़ें उसके दिमाग में भर जाती हैं, वो परिस्थितियों से लड़ नहीं पाता, और जो सीखा हुआ व्यक्ति है वो परिस्थितियों से लड़ सकता है, अर्थात वो समायोजन कर सकता है, जैसा देश वैसा भेष वाली चीज़ उसके अंदर आ सकती है। ये तभी संभव है जब आप सीखेंगे। अगली विशेषता है कि सीखना अनुभवों का संगठन है, सीखना अनुभवों का संगठन है। हमारे पास समाज के बहुत सारे अनुभव होते हैं, उन सभी अनुभवों को एक एक करके हम इकाई, मतलब एक साथ उनको इकाई के रूप में इस्तेमाल करते हैं, और जैसे ही बहुत सारे अनुभवों को एक साथ संगठित करते हैं तो हम जिस समस्या के लिए उन अनुभवों को संगठित कर रहे हैं उस समस्या के लिए हमें वो अनुभव जो है वो समाधान दे देते हैं, और इसीलिए हम ये कहते हैं कि सीखना अनुभवों का संगठन है। इसके बाद बात करते हैं सीखना उद्देश्यपूर्ण है। देखिए, जब तक सीखना उद्देश्यपूर्ण नहीं होगा तो वो सीखना नहीं होगा। हर एक व्यक्ति का अपना एक लक्ष्य होता है, अपना एक उद्देश्य होता है, और उस उद्देश्य के लिए वो लर्निंग करता है, तो किसी उद्देश्य के लिए ही लर्निंग हो सकती है, फालतू में सीखना सीखना नहीं कहलाएगा, अर्थात सीखना उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए। सीखना विवेकपूर्ण है, अर्थात जो चीज़ सीखी जाए उसको समझ करके सीखी जाए। अगर सीखने में विवेक का इस्तेमाल नहीं हुआ है, अगर आपने समझ करके नहीं सीखा है, तो वो सीखना नहीं माना जाएगा बल्कि उसे रटना माना जाएगा। इसलिए सीखना विवेकपूर्ण होना चाहिए, ये बात भी अधिगम की एक परिभाषा है। सीखना खोज करना है, आप जो चीज़ समझ से परेशान होते हो उसको खोजने की कोशिश करते हो, इधर से पता कर ले, उधर से पता कर ले, यहाँ से खोज लें। अगर कभी आप किसी प्रश्न में फंसते हो तो क्या करते हो, बहुत सारी किताबों को सर्च करते हो, बहुत सा आप जो भी आपके पास साधन उपलब्ध है, चाहे वो मोबाइल हो, यूट्यूब, गूगल, हर जगह से आप खोजने की कोशिश करते हो, और ये खोजना भी एक तरीके का अधिगम कहलाता है। तो ये थी सीखने की कुछ विशेषताएँ जिन पर हमने बात की। इसके बाद सीखने के कुछ पक्ष भी होते हैं, और ये पक्ष, एक तो पक्ष है ज्ञानात्मक, दूसरा है भावात्मक, और तीसरा है अनुप्रयोगात्मक। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है कि पहले हम जो चीज़ सीखते हैं वो हमारे मस्तिष्क के पटल तक ही रहती है, अर्थात ज्ञानात्मक लेवल तक ही रहती है, उससे ज़्यादा नहीं। लेकिन जो चीज़ हमने सीखी है, जो ज्ञानात्मक स्तर तक है, उस ज्ञानात्मक स्तर से उस चीज़ को हम जब भावात्मक या बोधात्मक स्तर तक ले जाएंगे, अर्थात उस चीज़ को जब हम महसूस करेंगे, आत्मसात करेंगे, तब उसे मानेंगे कि अब आपने बोध किया हुआ है, उस चीज़ को आत्मसात किया हुआ है, आत्मसातीकरण किया हुआ है। और जिस चीज़ का एहसास किसी को होता है, जिस चीज़ का अनुभव किसी को होता है, वो बहुत ही अच्छा सीखना माना जाता है, अर्थात अनुभवों द्वारा सीखा हुआ सीखी हुई जो चीज़ है वो स्थायी होती है। तो भावात्मक स्तर तक जब आप जाएंगे तो आपका सीखना स्थायी होगा, और सीखने में ये भी शामिल है कि आपने जो चीज़ सीखी उसको आपने महसूस किया, और उसको जब आप प्रयोग कर लें अपने इस जीवन में, तब हम मानेंगे कि अब जो है आपका सीखना जो है पूर्ण हुआ है, अर्थात आपने कोई चीज़ सीख, क्योंकि अगर आपको ज्ञानात्मक स्तर तक है तो वो एक तरीके की इन्फॉर्मेशन है, उस इन्फॉर्मेशन को आप ज्ञान में परिवर्तित तभी कर सकते हैं जब उसको महसूस करें, उस चीज़ को आप फील करें, और फील करना ही भावात्मक स्तर तक जाता है, और इसके बाद वो जब तक आप फील नहीं कर लेंगे तब तक आप उसका अनुप्रयोग नहीं कर सकते हैं, उसे अपनी क्रियाओं में नहीं ला सकते हैं,
इसलिए जब बोध होता है तभी व्यक्ति क्रियाओं में वो चीज़ उसके दिखाई देती है और क्रियाओं के मतलब उसके व्यवहार में दिखाई देती है। तो अधिगम के ये तीन पक्ष हैं, ये भी आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। याद रखना, ज्ञानात्मक या संज्ञानात्मक, भावात्मक या बोधात्मक, अनुप्रयोगात्मक या क्रियात्मक, कई तरह से अलग अलग नामों से कई बार एग्जाम में पूछा जा सकता है। बात ही कही है, चाहे ज्ञानात्मक बोले, चाहे संज्ञानात्मक बोले, भावात्मक बोले, चाहे बोधात्मक बोले, अनुप्रयोगात्मक बोले, चाहे क्रियात्मक बोले। तो अधिगम के लर्निंग के इस पार्ट वन में हम लोगों ने जाना कि अधिगम का अर्थ क्या होता है, अधिगम की परिभाषाएं कौन कौन सी हैं, अधिगम की विशेषताएं क्या क्या होती हैं और अधिगम के पक्ष क्या होते हैं। हम मिलेंगे सेकेंड पार्ट में अधिगम के और फिर बात करेंगे अधिगम के बारे में, और उम्मीद करेंगे कि वो वीडियो भी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो दोस्तों, इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो कैसा लगा, अगर आपको पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, वीडियो को शेयर भी करना और लाइक भी करना। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।